तो भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने जी वैगन के बारे में, उफ वैगनार। तो भाई अब फ्रेम में इसको इसलिए देख रहे हो भाई, इसमें थोड़ी सी ना दिक्कत सी आ रही है, थोड़ी परेशानी सी आ रही है। अब बताऊँ परेशानी क्या सी आ रही है इसमें। पता क्या होता है, जब हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं ना गाड़ी को, भाई आप कहोगे पहले कभी तेरी ओला खराब हो रही है फिर गाड़ी, भाई क्या करूँ, चलता रहता है जीवन में, लाइफ में सब कुछ ऊंचा नीचा चलता रहना चाहिए, जब भी जिंदगी सही चलती है ना तो फिर बोरिंग सी हो जाती है। तो भाई इसमें आ रही है थोड़ी दिक्कत सी इसके इंजन रिलेटेड, क्या पता इंजन का ना हो, इंजन से कुछ अलग हो। पता है क्या कर रहे, जब स्टार्ट हो रही ना गाड़ी, जैसे अभी स्टिल खड़ी है, तो स्टार्ट होने के बाद इसकी एक जो गरारी कहते हैं भाई, वो चलती रहती है, थोड़ी देर बाद जाके बंद होती है। और दूसरी दिक्कत आ रही है पिछले सस्पेंशन में, मैं पिछला सस्पेंशन दिखाता हूँ आपको, यहाँ से जैसे इसे हिलाते हैं ना, आवाज आ रही होगी थोड़ी सी, जैसे हैंड ब्रेक में लगा रखी है मैंने, अभी तो नहीं आ रही। जब हैंड ब्रेक में रहती है ना, जब इसमें दिक्कत सी होती है थोड़ी सी, भाई लाइट पड़ी इसको सही कर लेते हैं, वही क्या कर रहे हैं, इसको कर देते पहले भाई सही, ना तो फिर ये लाइट घिसटती, अच्छा हो देख ली, ना तो ये लाइट भाई घिसटती चली जाती भाई। जब भी गाड़ी निकालो ना, एक बार गाड़ी के नीचे जरूर देख लिया करो, कोई कुत्ता पिल्ला ना, और एक बार गाड़ी को भी देख लिया करो, गाड़ी का सामान वगैरह ना लटक रहा हो भाई, ये बहुत हमेशा ध्यान रखना। वगैरह सब सही कर लिया हमने, तो भाई मेन दिक्कत है इसके इंजन से रिलेटेड, और इसको देखते हैं मैं दिखाता हूँ। जैसे अभी स्टिल खड़ी है ना, अभी हमारा समीर भाई चाबी मारेगा, एक बार इंजन खोल दे, चाबी मारे जब मैं कहूँ चाबी मारी, एक बार खोल देता हूँ इंजन को, जब मैं कहूँ जब चाबी मार दियो, मार चाबी, गियर में देख लियो, देखो और टर कितनी देर तक चल रही थी, वैसे बंद कर दे इंजन को, जैसा कि आपने देखा इंजन स्टार्ट, देखो ये आवाज बन रही है इसमें मेनली, आज बाहर आ जा दिखा दी, आवाज है ना, अलग आवाज है ना थोड़ी सी भाई, ये आवाज बन रही है, पता नहीं कैसे बन रही, क्या दिक्कत है। पहले मैं कह रहा हूँ चार साल में एक बार भी नहीं आई, अब इसी साल आई है, थोड़ी मैं कह रहा हूँ दो तीन महीने हुए इस आवाज को। तो भाई अब चलते हैं मारुति के सर्विस सेंटर लेके चलते हैं, भाई इसमें क्या दिक्कत है, पहले कपड़ा मार लेते थोड़ा सा गाड़ी पे, गाड़ी गंदी हो रही है, फिर कपड़ा मार के चलते हैं इस गाड़ी पे लेके, चल लेते थोड़ा कपड़ा साफ भी तो रहनी चाहिए गाड़ी। एजेंसी में लेके गाड़ी को भाई, मैं मारुति के अपने मोटर्स वाली एजेंसी में आए हैं, इसका मैं यहाँ सर्विस वगैरह भी यहीं से कराता हूँ सारी, क्योंकि भाई इनका काम ठीक लगता है मेरे को। अभी थोड़े दिन मैंने पहले बोनट बम्पर रिपेयर कराया था, तो यहीं से करवाया था वो भी, भाई वही ये जहाँ भरोसा जाता है वहीं काम करवाते हैं बस। अब देखते हैं भाई क्या कहते हैं ये, बाकी स्प्लिटर्स भाई मस्त लग रहे गाड़ी में लगे हुए, और मेरा भी अच्छा लग रहा है भाई, बुलाते हैं उसको, असाइन तो कर दिया, अनिल नाम लिख दिया गाड़ी पे शीशे पे, आता होगा फिर पूछते हैं उस भाई से क्या दिक्कत आ रही गाड़ी में, ये लिख दिया भाई अनिल नाम। समीर भाई थे, हम ऊपर आए थे अभी, इनकी गाड़ी के दो दरवाजे गायब है भाई, क्या कर दिया दरवाजे में, ऐसा क्या मार दिया, ट्रैक्टर वाला ठोक दिया खड़ी गाड़ी में, ट्रैक्टर वाले ने मारी थी। अच्छा दरवाजे बदलवा दिए, ये भी ट्रैक्टर वाले का ही काम है ना भाई, आप नहीं बदलवाई सारे ट्रैक्टर वाले, मैंने कहाँ बदलवाई है, तो इंश्योरेंस में हमारा काम सारा भाई, आपकी जानकारी थी तो हो गया, नहीं तो मैं तो कहीं लूट पीटी आता, नहीं जानकारी नहीं थी, इंश्योरेंस कंपनी अच्छी होनी चाहिए भाई, बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं भाई। इसकी अल्टो है, अल्टो भाई बदमाश चलते हैं, लटक वटक के है ना, क्यों समीर भाई, आप अपनी की कार्रवाई करते हैं, इसको तो होता रहेगा भाई। अब आके बैठ के तो हम कस्टमर लाउंज में, मैं कह रहा था गाड़ी ठंडी होने दो थोड़ी देर, क्योंकि अब भाई मैं वही तो रहता हूँ, जब आवाज़ आनी होती जब तो आती नहीं, और बेफालतू में आ जाती है। अब मैं कह रही भाई थोड़ी देर एक घंटा गाड़ी ठंडी होने दो, उसके बाद देखते हैं, चलो भाई ये भी ठीक है ठंडी होने दो। आपने एक बार ना इंश्योरेंस क्लेम नहीं रखा, मैंने कहा वो तो भाई आपने यहीं से लिया था इंश्योरेंस क्लेम, मैंने कहा जब आ रही है, मैंने कहा तो भाई काम कहाँ हुआ उसका, मैंने कहा यहीं पर, मैंने कहा फिर तो देखते क्या बताता है फिर नीचे आके। छोटे दो घंटे होली थे, ये भी देखें भाई के सीना है, ठंडी होली नहीं होली, तार अंदर कर दिए, तार लटक रहे, खोल के देखो ठंडी, अब ये तो होली नहीं चाहिए ठंडी अभी तक तो। समीर वो देखिए ठंडी हो गई, खोल दिया बोनट, अब तो जल्दी होली होगी ठंडी है ना, होगी भाई
मोड़ी मोड़ी चीज इतनी तो नॉर्मल होगी है ना। थोड़ी देर खोलते हवा आ रही है बढ़िया भाई, कितनी तेज हो रही है, बढ़िया हवा चल रही है। पर मैं कह रहा हूँ 10-1 मिनट और देख लेते हैं ना, तो फिर घर ही चल दें, फिर पापा ही आ जाएगा। क्यों घर चलते हैं भाई, दिक्कत तो है, उसने भी मानी नहीं। देख उसको पता दिक्कत तो है ही है, बाकी वैसे तो कुछ पता नहीं लग रहा दिक्कत का। तो वैसे तो हमें तो दिख नहीं रही भाई, मेरे को तो दिख नहीं रही, वैसे तो कुछ है नहीं। कंप्रेसर गया तो कंप्रेसर कुछ वो मैंने बेरा नहीं कहा, कंप्रेसर कहाँ होता है इसका भाई। चलो देखते भाई क्या कहता है वो। 3:30 बज लिए थे तो भाई अब आए हैं दोबारा, सेल्फ स्टार्ट करी उसने। तो भाई बता रहे हैं कि इसकी सेल्फ में दिक्कत है, एसी कंप्रेसर में कोई दिक्कत है, पहले बता रहे थे एसी कंप्रेसर में दिक्कत है। तो भाई लग गई है लिफ्ट में गाड़ी, अब भाई वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता, लेकिन हम फिर भी चोरी चुप के बना रहे हैं। फाइनली दिक्कत पकड़ में आ गए भाई, तो मेन दिक्कत है वो बंद करना इसको। तो दिक्कत थी सेल्फ की भाई, में दिक्कत थी सेल्फ की मोटर की, नीचे लगी रहती है। तो भाई यही फायदा होता है एक्सटेंडेड वारंटी लेने का। तो हमने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी थी तो उसमें ये सेंस चेंज जाएगी ना, तो हमारा बिल बैठता कुछ 20-25 हज़ार रुपये का। तो भाई 20-25 हज़ार रुपये बच चुके हैं मेरे, अब इसको लेकर चल रहे हैं अपने घर। इनमें ऑर्डर लगा दिए इनको, जब तक पार्ट आ जाएगा हम आपको कॉल कर देंगे, तो आप आके लगवाई जाना। तो भाई यही फायदा होता है भाई एक्सटेंडेड वारंटी लेने का। क्यों भाई समीर? बढ़िया भाई बढ़िया, 5 साल हो गए, फ्री में काम हो रहा है हमारा, फ्री में काम हो जाएगा। पहले तो एसी कह रहा था ये, लेकिन भाई एसी नहीं निकला, वही पार्ट निकला है, सेल्फ सुल्फ की गरारी गुरूरी कोई घिस चुकी है, इसलिए फ्री सी हो रही है स्टार्ट होने के बाद। तो भाई काम फ्री हो जाएगा और क्या ही चाहिए हमें, देखते हैं। बल्कि भाई इसमें थोड़ा शक सा लग रहा है, बाद में खड़ा है ना, कोई आया नहीं, ये खड़ा है जेब में डाल के सेंट पर, इस पर थोड़ा सा नू लग रहा है, थोड़ी सी चट कर रहा है, मतलब जिसे कहते हैं ना चटकी दिखा दे, चटकी वो कर रहा है ये। तो देखते हैं, इन्हें कह रहा है पहले कहा जाओ, फिर अब कह रहा है थोड़ी देर रुक जाओ, मैं पहाड़ दिखवा देता हूँ, देखते हैं भाई क्या करता है ये। वैसे निकलवा तो इसकी अलग से भी लूँगा मैं, क्यों सेल्फ की मोटर स्टार्ट हो लिया। हम बैठे भाई कस्टमर लाउंज में, फुल मैगडी वैगडी चल रहा अपना, और वहाँ हो रहा अपनी गाड़ी काम, डायरेक्ट कह रहे 2 घंटे लगेंगे, और भाई सारा काम हो रहा है वारंटी में 5 सालों में। मैं कह रहा हूँ जनवरी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर नहीं नवंबर चल रहा, दिसंबर जनवरी, जनवरी में भाई वारंटी आउट है। अच्छा भाई खर्चा कम हो गया ना, तो 8-10 हज़ार का नहीं बैठता खर्चा इसमें। इसमें तो खड़े थे भाई, हमें एक और चीज़ पता लगी भाई, पूरा का पूरा सेल आ गया ब्रेजा का, एक ऊपर ब्रेजा खड़ी मैं दिखाऊंगा आपको, उनका पूरा सेल मंगवा लिया मारुति वाले ने भाई, मारुति वाले भी कमा लिए हैं भाई, टोटल भाई फुल एंजॉय चल रहा भाई, सारे इकट्ठे हो गए, भीड़ सी लगी भाई यहाँ भी, सब कंपनी में से निकल के आ रहे देखने के लिए क्या आ गया। तो भाई पूर मैं कह रहा हूँ टिच गाड़ी, तो उसके पार्ट खोल के इसमें लगा देंगे ना। हाँ भाई वो गाड़ी टोटल लॉस हो रखी थी, आपको ऊपर जाके इसके फोटो अटैच कर देंगे। अरे बेटा ना जी क्या देख रहा है, क्या देख रहे हैं भाई, सारे देख रहे हैं भाई क्या आ गए एकदम। वही ब्रेज आए टोटल लॉस, वही व्हाइट वाली है। भाई भारी होगी, अच्छी यार ब्रेज है, बंदे देख मेरे कितने हैं।
सारी ऊपर की टोली इकट्ठी हुआ है जी। सारे डेंटर पेंटर वॉशर मैकेनिक सब आ गए यहाँ। मौसम बड़ा बड़ा बिगाड़ दिया। फाइनली अपनी 5 घंटे की मेहनत का सफर मिल चुका है। अब अपनी गाड़ी हो रही है वो स्टार्ट कर देख ली भाई। पहले तो पूरी सेल्फ लिया करती ना, अब वही गाड़ी हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो रही गाड़ी भाई। वॉश वॉश हो जाते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे, वॉशिंग वगैरह करवा कर वो के वॉशिंग सेंटर में अब लगेगी, अब ऑटोमेटिक मशीन में वॉश होगी।